हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बहुपद या इस इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल्स। इस वीडियो सीरीज में हम 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक है उसके अंदर जिसमें आता है बहुपद, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। तो बहुपद एक्चुअली में होता क्या है? ये होता है आपका जो पद बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है। यानी कि बहुपद को अगर मैं तोड़ कर लिखता हूँ, बहु प्लस पद, यानी कि वह पद जिसके अंदर बहुत सारे पद आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद। ऐसी पॉलीनोमियल्स जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती है उसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल्स। अब ये होती क्या है, इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस का 5, ठीक है, ये पॉलीनोमियल्स होता है। दूसरे एग्जांपल की बात करूँ मैं, अगर आपका लेता हूँ मैं 7u6 की 3/2 यू की पावर 4 प्लस 4u² प्लस u-8, ठीक है, ये सब क्या पॉलीनोमियल्स है जिसके अंदर एक ये क्या है यहाँ पर एक्स एंड यू, ये आपके यहाँ पर होते हैं चर जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये आपके क्या है, दोनों वेरिएबल जो नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं अचर, जिसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी थोड़ा इसके अंदर डीपली में जाते हैं, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि इस बहुपद की डिग्री कितनी है, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं घात। अगर मैं घात निकालने की बात करता हूँ, घात या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, तो अगर किसी भी पॉलीनोमियल की आपको पावर निकालनी है, पावर का मतलब एक थोड़ा डिग्री होता है, तो निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है डिग्री ऑफ जोन सब यहाँ पर पॉलीनोमियल्स आपको दिया होगा उसकी अगर डिग्री निकालनी है। जैसे सपोज दैट मैं इसका डिग्री निकालता हूँ, तो उसमें देखना है कि वेरिएबल जो भी उसमें दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 2। तो पहले वाले की अगर मैं डिग्री निकालता हूँ उसकी कितनी आती है डिग्री 2, दूसरे वाले की अगर डिग्री निकालता हूँ तो उसमें हाईएस्ट पावर है 6, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है आपकी और यहाँ पर है 1, तो इसमें कितनी है यहाँ पर 6। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 2y² प्लस 5y प्लस का 8। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, डिग्री यहाँ पर कितनी है 2। तो ये क्या होती है आपकी डिग्री, किसी भी कौन से या बहुपद की या पॉलीनोमियल की अगर हमें घात या डिग्री निकालनी है तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं डिग्री। तो इसके अंदर हमें अलग अलग तरह के देखते हैं कि बहुपद कितने तरीके के होते हैं, तो हम टॉपिक लेके चलते हैं इसमें कंटिन्यू, जो इसका फर्दर टॉपिक है और उसको हम बोलते हैं विभिन्न घातों के बहुपद, घातों के बहुपद, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर। इसके अंदर कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती है। पहली अगर कैटेगरी की बात करता हूँ, तो पहली कैटेगरी है इसके अंदर हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल्स। अब ये होता क्या है लीनियर पॉलीनोमियल, आपको वो होता है घात एक वाले को हम क्या बोलते हैं लीनियर या फिर रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता है किस तरह से, इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका कोई एक यहाँ पर पॉलीनोमियल का पी एक्स इक्वल टू आपका इस फॉर्म में होगा वो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 1, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए एक्स प्लस बी का जो रूप होगा वो आपका क्या होगा लीनियर या फिर हम रैखिक बहुपद बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है कि यहाँ पर कभी भी ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपको ये क्या होता है रैखिक। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला
ये एक तरह से उसका फॉर्म है, ये होता है ना वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके टॉपिक में ये मैंने आगे बताया, ये सी का फर्दर रूप है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे बाद में ये क्या होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपका पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, फाइव एक्स प्लस फोर, इसके क्या इसी का फॉर्म है, ये कि यहाँ पर ए इक्वल टू इस वाले में कितना है दो, बी इक्वल टू थ्री, और इस वाले में ए इक्वल टू फाइव एंड बी इक्वल टू फोर, ठीक है। दूसरा फॉर्म है आपका यहाँ पर आपका, जिसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसका हमें रिकॉग्नाइज या इसको पहचानना है किस तरह से है। तो पहले समझते हैं कि द्विघात होता क्या है। घात दो वाला अगर कोई बहुपद है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर दो है किसी की हाईएस्ट पावर, तो उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है। अब इसको फॉर्म लिख देते हैं हम, इसका भी फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, दो, ठीक है, या जो कि ए का क्या है कोफिशियंट है, इसको हम बोलते हैं गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री भी कितनी है इसकी, दो, क्योंकि हाईएस्ट पावर भी यही है। ऐसे यहाँ पर अगर डिग्री बात करता हूँ तो यहाँ पर डिग्री कितनी है वन, यहाँ पर डिग्री कितनी है दो। जितनी पावर हाईएस्ट होगी उतनी उसी उतनी की पावर क्या होती है, डिग्री कितनी होती है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, ठीक है। ये आपका क्या है पॉलीनोमियल्स है, यहाँ पर ए इक्वल टू टू है, फाइव इक्वल टू बी और c इक्वल टू थ्री। दूसरा ले लेते हैं कोई, p इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का फोर। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये हो समझनी है आपको यहाँ पर भी, कि यहाँ पर भी a नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। अगर मान के चलो अगर a इक्वल टू आपका क्या है जीरो है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो तो इट मीन्स आपको ये तो जीरो हो गया, तो बचा क्या फिर आपके पास बी एक्स प्लस सी, जो कि क्या है लीनियर इक्वेशन जो हमने पिछला डिस्कस किया है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कभी भी ए नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी कोफिशियंट कितना है वन, क्योंकि हर वेरिएबल हर या कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लीकेशन में हमेशा वन रहता है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना है वन, बी इक्वल टू आपका है दो और सी इक्वल टू फोर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं हम, थर्ड होता है आपका त्रिघात, त्रिघात बहुपद। इन नाम से पता लगता है अगर द्विघात का मतलब दो घात, त्रिघात का मतलब तीन घात, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है। अभी इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, बिल्कुल उसी फॉर्म में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, कि अगर मान लो अगर जीरो हो गया तो फिर क्या बन जाएगा आपका, अभी जो हमने डिस्कस किया है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या जीरो नहीं होगा, ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, जैसे पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स की पावर थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। सिमिलरिटी अगर करना चाहो आपसे कंपेयर करो तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना है फाइव, बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू सिक्स एंड डी इक्वल टू आपका है फाइव, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका त्रिघात बहुपद, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, ठीक है। तो एक और होता ले लेते हैं एक और, जिसको हम बोलते हैं चतुर्थ घातीय
बहुपद, ये आपका क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये होता क्या है आपका, यहाँ पर भी वही बात है, जो जिसकी पावर, अगर जिसकी डिग्री 4 या फिर मान कर जितनी पावर हाई या फिर उसकी पावर अगर 4 है, तो उसका मतलब क्या है, वो बाई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या चतुर्घातीय पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो उसकी पहचान क्या होगी हमारी, वही सिंपल फंडा लगाना है आपको, जैसे पीछे लगाया, जितनी पावर के बारे में बात कर रहे हो तो उतनी पावर लेके चलनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एक्स की पावर 4, बी एक्स की क्यूब, प्लस सी एक्स स्क्वायर, प्लस डी एक्स सॉरी प्लस ई। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू 0, अगर होगा तो यानी क्या बन जाएगा आपका, जो हमने पिछला भी डिस्कस किया, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3, 2x की पावर 2, 4x प्लस का 3। कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये इक्वल टू यहाँ पर कितना है आपका, 5, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू आपका कितना है, 3।